भैया एमसी स्टेन और अर्चना गौतम की सलमान खान ने जम करके क्लास लगाई है क्या एमसी स्टेन जो बात कह रहे थे कि इसकी क्लास नहीं लगाई जाएगी ये बच जाएगी कुछ भी नहीं होता है कुछ ऐसा ही हुआ है क्योंकि लग रहा है ऐसा मतलब क्लास जैसी नहीं लगती क्योंकि प्रोमो में ऐसा होता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया सलमान खान ने पिछली बार भी एक डायलॉग मारा था अर्चना मैं आपको अगर शो में ला सकता हूं तो मैं आपको निकाल भी सकता हूं इस बार जो डायलॉग है वो ये है कि आपके लिए दरवाजा खोला जाता है मुख्य द्वार खोला जाता है तो कहीं ना कहीं सलमान ने क्लास लगाई है क्योंकि ये देखिए गालियां देते हैं और माँ बाप को घसीट लाते हैं माँ बाप थोड़ी ना शो में आ है आप लड़ो झगड़ो अपने बारे में जो बोलना है बोलो लेकिन माँ बाप भाई बहन की गालियां देने की कोई भी जरूरत नहीं है उसी पर सलमान खान कह रहे हैं कि आपकी हदे पार हो चुकी है एम सी स्टेन जो कि ऑलरेडी अपनी गलती को पहले ही मान चुके हैं जब ये लड़ाई हुई थी उसके बाद उनको एक रियलाइजेशन हुआ था कि हाँ उन्होंने कुछ बातें बहुत ज़्यादा गलत बोली हैं जो कि उनको नहीं बोलनी चाहिए थी सलमान खान भी उसी पे कह रहे हैं कि तू ही बता कौन गलत था

तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो जाती हैं अर्चना का जो बिहेवियर था टास्क में वो टास्क में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी बिग बॉस को रो रो करके बोल रही थी कि कोई भी नहीं है सिर्फ आप ही हो कन्फेशन रूम में आने के लिए मैं बोल रही थी तो क्या बोल रही थी गलत बोल रही थी तो कहीं ना कहीं अर्चना को ये था कि एमसी सी स्टेन की जम करके क्लास लगाई जाए और मैं बच जाऊंगी और एमसी स्टेन को ये था कि मतलब इस बार भी इसकी देख लेना क्लास व्लास नहीं लगाई जाएगी जाए। प्रोमो में देख करके लग रहा है कि दोनों पे सलमान चिल्ला रहे हैं लेकिन असल बात तो देखिए यही होगी कि प्यार से समझाया जाएगा कि अर्चना बेटा आप ऐसे मत करिए एम सी स्टेन आप ऐसे मत करिए शो में रहिए प्यार प्यार से एक्सटेंड हो गया इस शो शो को मसाला दीजिए इंटरटेन करिए और खुश रहिए कोई दरवाज़ा वरवाज़ा नहीं खोला जाएगा किसी के लिए भी बस ये प्रोमो के लिए था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू